ये पूरा देश में इंडिया अलायंस को इम्पिटस देगा, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस का जो कैंपेन है उसको और भी जोरदार करेगा। इट्स अ ब्लो ऑन द फेस ऑफ नरेंद्र मोदी ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। आज हम लोग बहुत खुश है, हमारा पार्टी सुप्रीमो मैडम ममता बनर्जी भी उनका खुशी जाहिर किया है। और ये इंटरिम बेल में अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर निकला, ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब में नहीं, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस को इम्पिटस देगा, ये पूरा देश में इंडिया अलायंस का जो कैंपेन है उसको और भी जोरदार करेगा। और आने वाला दिन में इंडिया अलायंस जो सरकार बनाएगा और एनडीए जो फाइनली डिपार्चर होगा, ये सिर्फ समय का बात है, ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा। We welcome the intervention by the Honorable Supreme Court in granting the bail to Mr. Arvind Kejriwal. We also hope that the Prime Minister gets enough time after 4th of June, when he becomes the former Prime Minister of India, to introspect sitting in Sabarmati Ashram at the kind of politics he has indulged into. We hope that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. It's a blow on the face of Narendra Modi. Of the BJP government. That government was trying all these months and months together to tarnish the image of a Delhi government chief minister. And this court verdict is a verdict on the right direction. The democratic traditions of this country would certainly welcome it. And this is going to give a political momentum to the India alliance. अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंग बली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, जो कि एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को साधारण भाषा में जिस तरीके से लोगों के बीच रख सकते हैं, इस तरीके के लोग कम हैं। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा।